सब्सक्राइब करें खबर प्लस 18 को और प्रेस करें इस बेल को। खबरों सचिन पायलट पहुंचे टोंक, सर्किट हाउस में पहुंचने के बाद अधिकारियों से समीक्षा की और उसके बाद में अधिकारी को निर्देश देने के बाद सचिन पायलट अब टोंक से जयपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। सचिन पायलट दूसरी बार कर्फ्यू के दौरान टोंक पहुंचे हैं। खास तौर से जनता यहाँ नहीं आई है, नेताओं को दूर रखा गया, लेकिन अधिकारियों को खास तौर से निर्देश दिया। उन्होंने यही कहा है कि लोग अपने घरों में रहें और अपनी सुरक्षा करें। हम पूरी तरह तैयार है, किसी को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। तमाम इंतजाम यहाँ पर पहले से ही कर दिए गए हैं। सर टोंक पहुँचे हैं, समीक्षा की है, 60 पॉजिटिव आ चुके हैं, किस तरह के निर्देश दिए हैं? मैं एक नीचे कर लूँ, मैं एक टोंक से चर्चा हम लोगों ने करी है, टोंक में भी, प्रदेश में भी, देश में भी लगातार जो संक्रमण है वो बढ़ रहा है, तो इस पर हम अपनी नज़र बनाए हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको हम कंटेन करने में कामयाब रहेंगे। टोंक में अब आज एक और पेशेंट लगभग 60 लोगों के पॉजिटिव पाए गए हैं और लगभग 650 सैंपल्स हम लोगों ने जयपुर भेजे हैं टेस्ट के लिए। उसकी रिजल्ट बहुत जल्द आज कल में आ जाएगी, लेकिन अभी जो कर्फ्यू लगा हुआ है उसको मेंटेन करना पड़ेगा और जो एरिया हम लोगों ने चिन्हित किया हुआ है कि जहाँ ज़ीरो मूवमेंट है, और मैं समझता हूँ यही एक उपाय है कि हम अपने लॉकडाउन को, अपने कर्फ्यू को पूरी ताकत के साथ मेंटेन करें। ये मैंने जिला कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को निवेदन किया कि नो एक्सेप्शंस, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो हम घर पहुंचा रहे हैं, दूध, फल, फूल, सब्जी, दवाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पर्याप्त भंडार हमारे पास है ज़िले में भी और प्रदेश में भी। सर खाने पीने की और जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं उसकी कहीं कोई कमी नहीं आएगी, बशर्त सब लोग अपने घरों में रहें और जो कर्फ्यू की सैंक्टिटी है उसको मेंटेन करें। सर पॉजिटिव 3 दिन के अंदर सैंपल नहीं आ पाते हैं, 800 के करीब सैंपल पेंडिंग हो जाते हैं, खास तौर से टोंक के नहीं आ पाते। मैंने आज ही बात करी है और मेरे को लगता है आज शाम या कल सुबह तक सब पहुँचा। जनसंख्या अनुपात के हिसाब से टोंक में 60 पॉजिटिव जो है, आंकड़ा कहीं ज़्यादा है जयपुर के अनुपात के हिसाब से भी, क्या सख्ती से? कभी देख के नहीं आता, और जैसा मैंने कहा शुरू में सिर्फ 4 पेशेंट्स आए थे, उसके बाद संक्रमण बढ़ा है, तभी यहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया है और बिल्कुल ज़ीरो मूवमेंट हम लोगों ने इंश्योर किया। और मैंने अभी आज कहा एसपी साहब को भी कि कोई भी व्यक्ति हो प्रभाव का, जान पहचान का इस्तेमाल कर कर्फ्यू का उल्लंघन ना करे, क्योंकि ये सब बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा अगर कोई इस कर्फ्यू को तोड़ने की कोशिश करता है। जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं वो लोगों के घर तक पहुँचे, ड्राई राशन, पका हुआ खाना, छोटे बच्चों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो मरीज हैं, उन सब की व्यवस्था यहाँ जिला प्रशासन कर रहा है और बड़ी 2400 घंटे यहाँ पर हेल्थ के डिपार्टमेंट के लोग, प्रशासन के लोग, पुलिस के लोग लगे हुए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जनता का पूरा सहयोग मिले, क्योंकि जनता के सहयोग के बिना कोई भी कर्फ्यू कारगर नहीं। सर जांच रिपोर्ट जो आती है, जांच रिपोर्ट जयपुर से आती है, जैसे 51 59 हुए, जब भी टोंक से आते 250 के पीएमओ कहते हैं हमारे पास ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है, अभी 60 हुए एक और बड़ा, तो उनसे बात करी तो वो कहते हैं हमारे पास ऑफिशियली नहीं है। तो वो सब रिपोर्ट जो भी आएगी उसको ऑफिशियली जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको अपलोड करें। अधिकारियों से बात हुई है, कुछ अतिरिक्त सुविधाएं मांगी गई है टोंक के लिए या कुछ और भेजा जाए डॉक्टर वगैरह? सब कुछ यहाँ पर्याप्त क्वांटिटी में है, लेकिन हम लोगों ने अभी यहाँ पर कुछ 3 वेंटिलेटर मैंने यहाँ पर और टोंक हॉस्पिटल में लगवा दिए हैं, वो कल आज रात को ऑपरेशनल हो जाएंगे। कुछ खाने की सामग्री है जो अतिरिक्त मैं इंतजाम करा रहा हूँ, कमी किसी बात की नहीं आएगी। लोग धैर्य रखें, पेशेंस रखें और प्रशासन का, सरकार का सहयोग करें, आज हम सबका यही करता है। सर गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर अस्सी के साथ रहता है तो अस्सी को भी प्रॉब्लम, अगर जांच रिपोर्ट जितनी जल्दी आ जाएगी उतनी जल्दी हम उसको हटा लेंगे। वहाँ दर्द होता है सर, प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स।